देवास नीमनाथ घराने में किया भव्य स्वागत, तलवारबाजी में निपुण मुस्कान सिसोदिया ने फिर से पुरानी यादें ताजा कर दी। अखाड़े में महर मुस्कान सिसोदिया ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। मुस्कान ने दोनों हाथों में तलवार लेकर तलवार लहराते हुए नारी शक्ति को जागृत किया। मुस्कान सिसोदिया उज्जैन की रहने वाली है। देवास के गोगा देव नवमी के पश्चात वाल्मीकि समाज की महिलाओं और लोगों ने ढोल धमाके के साथ भव्य स्वागत किया और ट्रॉफी भेंट की। बाद में मुस्कान सिसोदिया ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते वक्त चेहरे पर जरा सी भी घबराहट दिखाई नहीं दी, उन्होंने हंसते हुए प्रदर्शन किया। मुस्कान को तलवार घुमाते देख महिलाएं और लोग दंग रह गए। मुस्कान सिसोदिया ने बताया कि वह तलवारबाजी के गुण अपने पापा से सीखी है। पापा ने मुझे बेटी नहीं बेटा समझकर अखाड़े के सारे गुण सिखाए हैं। मुस्कान ने बताया कि वह महज 12 वर्ष की उम्र से ही तलवार घुमाना, लाठी घुमाना आदि कला में निपुण हो गई थी। उन्हें सब झांसी की रानी कहकर बुलाते हैं। जिस प्रकार झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लोहा लेकर देश को आजाद करने में अपना बलिदान दिया था, उसी प्रकार मुस्कान ने भी झांसी की रानी बनकर महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार उठाना उचित बताया है। मुस्कान सिसोदिया ने उज्जैन में महिलाओं के लिए ट्रेनिंग स्कूल भी खोल रखा है, जहां पर अभी तक उन्होंने 300 लड़कियों को तलवार घुमाना, लाठी घुमाना आदि की ट्रेनिंग दे चुकी है। मुस्कान सिसोदिया 20 से 21 वर्ष की है। केएनएन न्यूज के लिए देवास से नागेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।